नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में ट्रैफिक व्यवस्था का जहां दम भरा जाता है, वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक सुधरना तो दूर, ना कोई पार्किंग व्यवस्था है और ना ही वहां पर इस तरह की व्यवस्था को देखने वाला। कई बार प्रशासन को शिकायतें भी मिली हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी MC मार्केट की, जहां पर इन दिनों पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इतना ही नहीं, पूरी तरह से वहां आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। कचरे का अंबार लगा हुआ है। यहां पर LIC बिल्डिंग भी है। पार्किंग के हिसाब से ये जगह पूरी खुली है, परंतु व्यवस्थित न होने की वजह से ये खुली जगह शहरवासियों के नाक में दम कर रखा है। आइए देखते हैं वहां आसपास के लोगों से कुछ बातचीत भी करते हैं पल पल की इस विशेष रिपोर्ट के साथ। के ऊपर जो कि कल भी हमने आवाज उठाई, इसके अलावा और यहाँ इस एरिया में 9 साल बाद तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई है। चेक कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड, 9 साल हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, 9 साल के बाद अभी स्ट्रीट लाइट हुई है। उसके बाद यहाँ हमारे इस तरफ आप देखोगे पार्किंग के साथ यहाँ तो कचरे का एक स्थायी अड्डा बना हुआ है। दिन भर बदबू, बीमारियां, मक्खियां, सब ये वो। ये प्रशासन से हमारी फिर विनती है, सभी दुकानदार भाइयों की तरफ से भी और हमारे इस MC कॉम्प्लेक्स की तरफ से भी ये निवेदन है कि वो एक बार प्रशासनिक अमला इस तरफ आए और जो भी सुधार की व्यवस्था है हम पर कृपा करे, हमें भी जीने का अधिकार दे। धन्यवाद। वैसे तो कपिल नेजा जी ने बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात बताई, लेकिन पार्किंग में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सुबह यहाँ हमारी दुकान के आगे 9 बजे गाड़ी आके लगती है और वो शाम को 7 बजे यहाँ से जाती है। हमारे कस्टमर जो हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, हमने खुद के व्हीकल लाने हो वो हम नहीं ला सकते। मतलब सुबह सुबह 9 बजे पार्किंग जब हम दुकान खोलते हैं उससे पहले हमारे शटर के आगे दुकान के आगे गाड़ियाँ लगी होती है, और जब हमारा जाने का टाइम होता है तब वो दुकानें गाड़ियाँ हटती है। किसी को कुछ कह दो कि गाड़ी यहाँ ना लगाओ या कुछ कह दो तो खाने को लड़ाई करने को हमसे दौड़ता है। मतलब हम लोग कहाँ जाएँ, यहाँ दुकान हमने ले ली या दुकान बना ली तो हमने गलती कर दी क्या? सीधी सी बात है कि आप इसको पेड पार्किंग बना दो, इससे आपकी भी कमाई होगी, एरिए का भी सुधार होगा। अनेजा जी ने बताया स्ट्रीट लाइट 9 साल बाद स्ट्रीट लाइट लगी है, उसके अंदर भी 10 के अंदर से 2 काम करती है, 8 तो काम ही नहीं करती। गंदगी का जो विशेष आप देखो, उधर कैमरा दिखाओ, मतलब सुबह सुबह यहाँ पे हमें फ़ोन करके बताना पड़ता है 1 हफ्ते बाद, जी बहुत ज़्यादा गंदगी है उठा लो यहाँ से, फिर उनकी ट्राली आती है कोई 10-15 दिनों बाद, फिर जाके उठता है। लोगों ने यहाँ पे पेशाब का अड्डा बना रखे हैं, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा। तो आपसे प्रशासन से यही विनती है कि यहाँ पे आएँ, थोड़ा सा सुधार करें, यहाँ के लोगों को भी जीने का हक है। धन्यवाद। इस एरिया में सिरसा का सबसे ज़्यादा खुला एरिया है और इसमें पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, जिसके कारण हर वक्त जो है ना हॉर्न की आवाज़ सुनने को मिलती है, कोई ना कोई गाड़ी सही ढंग से पार्किंग नहीं होती, या जो इस तरह की गाड़ियां पार्किंग हैं जो शहर के अंदर बाज़ार में लोग गए हुए हैं वो गाड़ियाँ पार्किंग यहाँ कर जाते हैं, टेडी मेडी कोई एज पर रूल्स नहीं होती यहाँ पर। इसलिए यदि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था सुंदर ढंग से अगर की जाए तो बहुत अच्छी तरह व्यवस्था हो सकती है और लोगों को परेशानी कम से कम हो सकेगी। इसलिए मेरा एक सुझाव भी और है कि यदि यहाँ पर पार्किंग चार्ज किया जाए, सरकार अगर यहाँ से कोई ना कोई सिस्टम ये अडॉप्ट कर दे जिससे कि जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं वो यदि सिस्टम से खड़ी कर दी जाएँ या उनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाए जो 2 घंटे से ज़्यादा पार्किंग करके जाते हैं यहाँ पर, तो संभावना ही होती है कि सुबह लाओ गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, शाम को भी